करीब तीन महीने बाद आज से खुलेगा खाटू श्याम जी का मंदिर। 4:15 बजे खुलेंगे मंदिर के कपाट। मंदिर विस्तार की वजह से 13 नवंबर से बंद है पट। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को सौंपेंगे। एथेनॉल वाला पेट्रोल भी होगा लॉन्च। मिशन त्रिपुरा पर भाजपा के चाणक्य अमित शाह 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। खोवाई और दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतिर बाजार में रैली। सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज। सीजेआई चंद्रचूड़ दिलाएंगे शपथ। 4 फरवरी को केंद्र ने दी थी नियुक्ति। दिल्ली में मेयर चुनने आज तीसरी बार बैठेगी छोटी सरकार। आप और बीजेपी की सियासी फाइट में पहले 2 बार बैठकों में नहीं हुआ चुनाव। एलजी ने बुलाई है बैठक। जैसलमेर के सूर्यगढ़ में रॉयल वेडिंग। कियारा सिद्धार्थ के शादी के फंक्शन 7 फरवरी को लेंगे 7 फेरे। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अचानक बढ़ी गर्मी। प्रदेश में 10 जिलों में पारा 30 डिग्री के पार। वायरल और अस्थमा के बढ़ने लगे केस। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। श्वेता मिश्रा के धार धार सवाल। लोगों को लाभ मिलेगी आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी है या क्रेडिट लेना ज्यादा जरूरी है। बेबाक अंदाज। आपको बात सुननी पड़ेगी तब आपकी बात सुनी जाएगी। मुद्दे की बात। अगर आपके हाथ में होगा तो सब ठीक है, नहीं होगा तो सवाल उठेगा। आम आदमी के जज्बात। क्या आप मानते हैं कि बद्री माफिया बेखौफ हो गया है। राजनीति की चौसर पर शह और मार। कोई तो हो जो इन सवालों का जवाब दे सके, लोगों की जो समस्या उसे दूर किया जा सके। हर दल की जिम्मेदारी। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो क्या जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं बनती है। हर नेता की जवाबदेही। हम बात नहीं कर रहे। सियासी चक्रव्यूह में दिग्गजों की टक्कर। अधिकारी है इसके लिए सर, अधिकारी है। बिग फाइट लाइव रोजाना रात 7:55 पर।